नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे मैं पहले चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ऐसी वो सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा नहीं लगता इस चीज़ का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि बहुतों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं खुद के बारे में बताऊँ कि भैया जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है कैनेडा में, वो मुझे कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो दोस्तों, जैसे बाकी कैनेडियंस को इम्पैक्ट कर रही है, मुझे भी कर रही है। मैं थोड़ी कोई स्पेशल एक आम आदमी हूँ। हर चीज़ की दाम बढ़ गई है यार। अब तो ऐसा हालत हो गया है कि पहले जैसे शॉप्स जाते थे, ग्रॉसरी स्टोर से वॉलमार्ट में अक्सर जाता हूँ, पहले भी जाता था, तो निकलने वक्त कभी कभी मन करता चल यार कुछ ऐसे एक उठा लेते हैं। जैसे काउंटर से कोल्ड ड्रिंक उठा ली, कभी एक चिप्स का पैकेट उठा लिया, यार उनके भी दाम इतने बढ़ गया, मन नहीं करता। चिप्स का पैकेट देखता हूँ यार $3.5 की एक, ऐड यार कौन खरीदेगा, छोड़ो। कोल्ड ड्रिंक देता हूँ 2 point something का, है यार कौन खरीदेगा, छोड़ो। इस तरह की चीज़ें अब हो रही है। पहले ऐसा कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये सब चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। और हर चीज़ की दाम बढ़ गई है। जैसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से कभी मैं कोई हल्दीराम का कोई स्नैक उठा लिया, ठीक है, तो $129 $1.29 की पड़ती थी। अब बेटा वही चीज़ मैं देख रहा हूँ 179 हो गई है, कहीं कहीं 189 हो गई है, कहीं 199 हो गई है। तो एक आइटम पे तो लोग बोलेंगे हाँ भाई 50-60 cents बढ़ गए हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप बहुत जब इस तरह के हर एक आइटम पे दिखे 229 से 299 हो जाए, 259 हो जाए, तो एक डब्बे के लिए तो ठीक है, लेकिन जब पूरे महीने का खर्चा करना पड़े ना, तो थोड़ा इम्पैक्ट करता है। और हर चीज़ बढ़ी है। अगर एक दो बढ़े तो आदमी बोल भी सकता है कि चल ठीक है, हर चीज़ बढ़ गई है दाम। परसेंटेज कैलकुलेट कर तो सर पकड़ के बैठ जाओ। सिर्फ एक चीज़ में कॉस्ट कम हुआ है जो मैं ज़रूर कहूँगा, वो है मेरा फ़ोन बिल्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। क्योंकि कैनेडा में अचानक से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं फ़ोन बिल्स को लेके, मैंने फ़ोन प्लान्स को लेके, और मेरा जो प्लान मुझे मिला है काफ़ी सस्ते में, ज़बरदस्त। अब मुझे डेटा को लेके तो सोचना नहीं पड़ता है, इतना ज़बरदस्त प्लान है मेरा कि डेटा को तो हमेशा ही रहता है मेरे पास। मैं मज़े से यूज़ करता हूँ, फिर भी मैं कभी उसका 25% तक भी स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। मेरे घर में तो गुड वाईफाई है, बाहर भी हर जगह वाईफाई तो मुझे मिल ही जाती है, और अगर ट्राई भी कर रहा हूँ आराम से, कोई न्यूज़ लगा दिया, कोई पॉडकास्ट लगा दिया, चल रही है आराम से, डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटा की स्पीड भी बहुत अच्छी है। अब मेरे पास तो US का भी कवरेज है, US भी जाऊँगा तो भी रोमिंग नहीं पड़ेगी मेरी। वाह यार अच्छी प्लान है मेरा। तो हाँ, इसकी कॉस्ट कम हुई है नो डाउट, तो बहुत अच्छा। और पहले क्या था दोस्तों कि जैसे इंडिया कॉल करता था मैं फ़ोन कॉल्स, तो मेरे को इंडिया कॉलिंग का रखना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लॉन्ग डिस्टेंस की। क्योंकि भाई अब अगर अपने घर में फ़ोन करना, दोस्तों व्हाट्सअप है ना, लगाओ फ़ोन, बतियाओ घंटे भर, क्या पैसा थोड़ी लगता है उस काम का, तो बस वही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बहुत है। और एक बात बताऊँ दोस्तों, बहुत सारे खर्चे अनएक्सपेक्टेड आते हैं। अभी देखो मेरे गाड़ी का पीछे का एक डोर का वेदर कोट निकल आया, डीलरशिप में लेके आया हूँ गाड़ी को उसको फिक्स करवाने के लिए। ये लोग तो अभी देख रहे हैं, अब कितना कोट देंगे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता 100-150 से कम में होगा कुछ भी काम। गाड़ी में वारंटी मेरी है नहीं, ऐसा चीज़ एक बार वारंटी के दौरान भी होता था, बिल्कुल फ्री हो गया था। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्री में तो करेंगे नहीं, पैसे तो सबको चाहिए, तो वही बात है। तो वो तो पैसे तो लगेंगे ही उसके, तो ये भी एक बात है दोस्तों कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं। मेरे बेसमेंट टेनेंट ने बोला कि उनका एक कैबिनेट डोर बाहर निकल गया है। अब भैया मुझे जाके वो भी फिक्स करना होगा, फ्राइडे को जाऊँगा उनके पास, उम्मीद करता हूँ टूटा ना हो, उम्मीद करता हूँ जैसे स्क्रू है मैं स्क्रू से ठीक कर स्क्रू ड्राइवर लेके मार दूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर कारपेंटर बुलाऊंगा, उसका बेटा 100-150 वहाँ निकलेगा। आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या, समझ में नहीं आता है। क्या बोलूँ दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड खर्चे इतने आ जाते हैं ना, आप प्लान नहीं करते ऑल ऑफ अ सडन, अब क्या करें यार, वही हाल है। खैर ऐसी हालत यहाँ सबकी है, सब लोग परेशान हैं, मैं भी, जैसे आप हो वैसे मैं भी, जैसे बाकी कैनेडियंस हैं वैसे मैं भी परेशान हूँ कि खर्चे तो हैं लाइफ में, लेकिन इन्हीं खर्चों के बीच में रहना है, इन्हीं खर्चों के साथ अपना ज़िंदगी चलाना है, तो चला रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि मैनेज हो जाए चीज़ें। महंगाई का तो बता दिया आपको, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के हर चीज़ में बढ़ी है कॉस्ट, और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी। अभी देखो गाड़ी के ऑयल चेंज करवा रहा हूँ, इसमें भी अच्छे खासे पैसे लगेंगे, क्या करें यार। सोचता हूँ इलेक्ट्रिक कार पर माइग्रेट करूँ, फिर सोचता हूँ नहीं यार इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। ऑनेस्टली दोस्तों, जीना पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।